So the last combination of errors stands into power or exponential term, exponent term. अब इसके लिए दो quantities की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए one quantity is fine. How? एक का कुछ तो power होगा is equivalent to some x term, right? फिर plus b to the power something या divided by c to the power something वो करेंगे. General term I'll formulate पहले पावर वाले टर्म में क्या मिलता है एरर, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड. तो स्टार्टिंग विथ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू राइट डाउन एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एन. ये टर्म को हमें एरर के फॉर्मेट में लाना है, मतलब डेल्टा एक्स का कौन सा टर्म होगा जो ए टू द पावर एन के डेल्टा ए के कुछ तो टर्म्स में रिफ्लेक्ट करता होगा, राइट, समथिंग इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ए दैट डेल्टा एक्स शुड बी हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ. तो स्टार्टिंग विथ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स इज व्हाट, एक्स बार प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए इज व्हाट, ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए. अब ये पूरे टर्म का पावर एन लिखना है, यस और नो, क्योंकि ए टू द पावर एन है, मतलब पूरे ए का पावर एन, तो ये पूरे टर्म का पावर एन होगा, क्लियर. ओके, अब क्या कर रहे हैं, ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए को, डेल्टा ए को ए बार से मल्टीप्लाई किया, ए बार से डिवाइड किया, टर्म चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे, अगर ए बार और ए बार को मैं कैंसिल कर दूँ देन वी विल एंड अप गेटिंग द सेम टर्म. ऑफकोर्स इसको नहीं भूलना है, डन, क्लियर. ओके, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से ए बार को कॉमन निकालेंगे, तो ए बार यहाँ से निकला बाहर, ओके, तो बचेगा क्या वन प्लस और माइनस, ए बार यहाँ से निकल गया बाहर तो बचेगा क्या डेल्टा ए अपॉन ए बार टू द पावर एन. जनरली दिस इज द मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ऐसे इतना ही लिख के छोड़ देंगे, विच इज नॉट राइट. वाई इट इज नॉट राइट, ये जो ए बार है वो ब्रैकेट के अंदर है तब उसका पावर एन है, हाँ है, ये जो ए बार है जब वो ब्रैकेट के अंदर है तब उसका पावर एन है, हाँ है, तो जब वो ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो भी उसका पावर एन होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम टर्म्स चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉमन निकाल रहे हैं, तो इसका भी पावर एन होना चाहिए, क्लियर, डन. ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, जैसे ट्रू वैल्यू का इक्वेशन लेके हमने स्टार्ट किया था वैसे ही मेजर्ड वैल्यू का इक्वेशन बनने वाला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए बार टू द पावर एन, ओके, ए बार टू द पावर एन सी योर, तो ये पूरे टर्म को ए बार टू द पावर एन को हम एक्स बार लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म में, ओके, सो लेट्स राइट इट, दिस इज एक्स बार, डन. ओके, अब क्या करेंगे, ज़्यादा टर्म्स लिखने में हमें कहाँ प्रॉब्लम है, हर एक स्टेप में एक एक चेंज करते जाएंगे. ओके, इसके बाद यहाँ लिखो बाद में लिखो, चलो यहीं लिखते हैं. इसके बाद द वन थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन लास्ट वीडियो, वन प्लस एक्स होल टू द पावर एन इज इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वन प्लस एन एक्स, प्रोवाइडेड एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वन, दिस इज वॉट वी हैव अंडरस्टूड, क्लियर. ओके, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, तो एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलो लिखेंगे इसको एक्स बार एज इट इज़ बाहर, दिस विल बी वॉट वन प्लस और माइनस एन इन टू डेल्टा ए अपॉन ए बार, डन, क्लियर, दिस इज वॉट वी हैव रिटर्न. ओके, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे आप ऐसे बिकॉज करके मेरा उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, दिस इज वॉट टर्म, दिस इज दिस स्टार वाला टर्म, दिस स्टार वाला टर्म, क्लियर, बिकॉज करके यहाँ पे लिख सकते हो पूरा, दिस इज हाउ वी गॉट दिस टर्म फ्रॉम द अबव वन. ओके, अब क्या करेंगे, शुद्ध इंग्लिश में लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स बार, चलो शुरू करें, एल एच एस, एक्स बार अपॉन एक्स बार प्लस और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू,
RHS पे लेके आते हैं, x बार अपॉन x बार हो गया, ये x बार के नीचे x बार लिख दिया, ये ब्रैकेट एज इट इज पूरा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. सो 1 प्लस और माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन a बार, डन, गॉन, गॉन. 1 प्लस और माइनस डेल्टा x अपॉन x बार, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया. सो दिस इज अगेन 1 प्लस और माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन a बार, ये दोनों भी उड़ गए. तो क्या बचा, प्लस और माइनस डेल्टा x अपॉन x बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन a बार. वी नो द थिंग, नो माइनस साइंस. सो डेल्टा x अपॉन x बार इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a बार. क्या पता चला, x इज इक्वल टू a टू द पावर n, x इज इक्वल टू a टू द पावर n. The quantity that we are putting in terms of exponential term, the quantity which we are putting in terms of exponential term of other quantity, क्या आ रहा है, वो same quantity का fractional error, वो same quantity का fractional error is equal to n times, is equal to n times the fractional error of the given physical quantity. पता चल रहा है, clear, this is how we are supposed to do. तो जब question दिया गया है x is equal to a to the power n, x का फ्रैक्शनल एरर लिख दो, इज इक्वल टू पावर को मल्टीप्लाई करके a का फ्रैक्शनल एरर लिख दो, खत्म बात. सी, x का फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू पावर को मल्टीप्लाई करके a का फ्रैक्शनल एरर, एंड डन. इन जनरल टर्म आई एम राइटिंग ओवर हियर, इन जनरल वी कैन से, ये भी नहीं लिखना, चलो ना एक एग्जांपल दे देती हूँ. ओके, से वी हैव सम w बड़ा सा क्वांटिटी विच कंसिस्ट्स ऑफ सम x फिजिकल क्वांटिटी जिसका पावर a है, मल्टीप्लाइड बाय सम y फिजिकल क्वांटिटी जिसका पावर b है, एंड सम z फिजिकल क्वांटिटी जो डिवीजन में है उसका पावर c है. चलो ये क्वेश्चन है, इसको लिखो जो फॉर्मेट हम यहाँ पे लेके आए हैं. अच्छा, तो ये क्या इतना सारा बड़ा सा एक ही में घुसा देना है? हाँ, एग्जाम्पल तो ले सकते हैं ना, पहला ही एग्जाम्पल ले रहे, एकदम तुच्छ वाला फालतू वाला एग्जाम्पल है. देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डिफरेंट पावर्स, राइट. ये क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल टर्म जो सीखा वो तो है ही, मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी है, पता चल रहा है, क्लियर. तो एक्सपोनेंशियल टर्म में हमें पता चल गया कि फ्रैक्शनल एरर्स के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से क्या पता चला है, अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी हो या x इज इक्वल टू a अपॉन b हो तो क्या करना है, डेल्टा x बार इज इक्वल टू डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करना है उसको लिखो पहले फ्रैक्शनल एरर में, इज इक्वल टू जितने भी क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लीकेशन या डिविजन में वो सब के फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर दो, क्लियर. यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का चेंज है, पावर साथ में मल्टीप्लाई करते जाना है. तो वी कैन से इसका फ्रैक्शनल एरर डेल्टा w अपॉन w बार, अगेन आई एम सेइंग यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन w, नोटिफाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो पावर आगे और x का फ्रैक्शनल एरर x बार प्लस b y का फ्रैक्शनल एरर प्लस c, पावर वापस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सेम प्रोसेस है फ्रैक्शनल एरर लिखने वाला. सो सी इनटू डेल्टा जेड अपॉन जेड बार, दिस इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, डन, क्लियर. दिस इज अ वेरी जनरल एग्जांपल, ऐसे ही दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट टर्म के लिए भी. लिखो,